वर्जीनिया से हेमंत कुमार की रिपोर्ट। उग्र अध्यापकों ने बीआरसी कार्यालय में की तालाबंदी, थाना प्रभारी ने पहुंचकर मामले को कराया शांत। बुधवार को सहायक अध्यापक प्रखंड इकाई चीनिया के द्वारा 4% वृद्धि के साथ मानदेय नहीं देने के कारण बीआरसी कार्यालय चीनिया में तालाबंदी किया गया। मालूम हो कि झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय के द्वारा 2021 में ही 4% वार्षिक मानदेय वृद्धि हेतु चिट्ठी निर्गत कर दी गई है, परंतु बीआरसी का घोर लापरवाही के कारण अभी तक चीनिया बीआरसी के बीपीओ एवं अकाउंटेंट के द्वारा शेष रह गए 24/6 से 8 के सहायक अध्यापक एवं 11/1 से 5 के सहायक अध्यापकों का 4% वार्षिक वृद्धि के बिना ही सितंबर माह का मानदेय जिला के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया, जबकि इन सभी सहायक अध्यापकों का प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार का बैठक कर सेवा संतुष्टि की चिट्ठी निर्गत हुई है। वरीय पदाधिकारियों के आदेश का अवहेलना करते हुए बीआरसी के बीपीओ एवं अकाउंटेंट के द्वारा घोर लापरवाही बरतते हुए संबंधित सहायक अध्यापकों का बिना 4% वार्षिक वृद्धि के ही मानदेय बनाकर जिला के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसके कारण आक्रोश में आकर चीनिया बीआरसी के सहायक अध्यापकों ने बीआरसी के बीपीओ से बात की। बीपीओ ने साफ जवाब दिया कि मेरे बिना जानकारी का अकाउंटेंट के द्वारा मानदेय बनाया गया है, जिससे सहायक अध्यापकों में काफी आक्रोश हो गया और बाध्य होकर हम लोगों ने बीआरसी कार्यालय में ताला जोड़ा है। तब जाकर अंत में चीनिया थाना प्रभारी अमित कुमार आए और बीच बचाव किए। तब जाकर बीपीओ ने स्वीकार किया कि हमसे गलती हुई है कि हम चिट्ठी के बावजूद भी दुर्गा पूजा जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार में इन सहायक अध्यापकों का मानदेय का वार्षिक वृद्धि न भेजकर गलती किए हैं, जिसे बीपीओ ने स्वीकार किया और कहा कि अक्टूबर माह का मानदेय के साथ इनका 4% वार्षिक वृद्धि मानदेय जाएगा, जिस पर सहायक अध्यापकों ने ताला खोला, जिसका नेतृत्व प्रखंड अध्यक्ष रंजीत यादव ने किया। मौके पर सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा से मिस्टर भुट्टो मंसूरी, देव कुमार प्रसाद, संतोष प्रसाद, जनार्दन यादव, अशरफ अली, रामवृक्ष सिंह, जनार्दन यादव, नारायण राम, गणेश परहरिया, अशोक साहा, नरेंद्र सिंह, गोपाल सिंह, अयोध्या सिंह, गोपाल यादव, उपेंद्र प्रसाद, चंदेश्वर प्रसाद, अंबिका प्रसाद, बिलाल अहमद सहित सैकड़ों सहायक अध्यापक उपस्थित थे। चिनिया प्रखंड संसाधन केंद्र में आप लोग ताला बंद किए हैं, क्या कहेंगे आप, किस विषय पे मतलब लेकर के ताला बंद? देखिए, हम लोग सभी सहायक अध्यापक संघ से हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा 2021 में ही हम लोग का 4% वार्षिक वृद्धि की चिट्ठी निर्गत हुई थी। जिले को निर्देश था, बीआरसी को निर्देश था कि इनको 4% वार्षिक वृद्धि दिया जाए। मैं बता देना चाहूँगा कि जैसे तैसे 2024 छः महीना बीतने के बाद करीब 70% सहायक अध्यापकों का ये क्या बोलते हैं 4% वार्षिक वृद्धि का मानदेय चला गया, परंतु शेष 6-8 में 24 सहायक अध्यापक और 1-5 में 11 सहायक अध्यापक, जिनका वेरिफिकेशन बाद में हुआ था, इनका हालांकि 6 महीना पहले ही हो गया था, इनका जो है सेवा संतुष्टि नहीं हुई थी। 1 अक्टूबर 2024 को इनकी सेवा संतुष्टि हो गई, उसकी चिट्ठी निर्गत हो गई। 4 अक्टूबर तक जिला में भी वह चिट्ठी स्वीकृत हो गई, लेकिन इन लोगों ने लापरवाही किया। और मैं बता देना चाहूँगा, 8 अक्टूबर को राज्य से जिला के पोर्टल पर एब्सेंटी अपलोड करने की सूचना निर्देश जारी हुआ। 8 अक्टूबर तक इन लोगों ने बिना 4% वार्षिक वृद्धि का मानदेय निर्गत करके एब्सेंटी जिला पोर्टल पर अपलोड किया। उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे आज तालाबंदी किए हैं कि जो भी इस बीआरसी के संबंधित पदाधिकारी होंगे तब तक उनको हम लोग तालाबंद करके रखेंगे, जब तक हम लोगों को दशहरा जैसे महत्वपूर्ण पर्व में इतना लेट लतीफ होने के बावजूद भी 4% वार्षिक वृद्धि के साथ मानदेय निर्गत नहीं किया जा सकता है, एब्सेंटी जिला के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा सकता है। आपका नाम? मैं रंजीत यादव, प्रखंड अध्यक्ष सहायक अध्यापक संघ चिन्ह। थैंक यू सर। आज प्रखंड के पारा शिक्षकों के द्वारा यहाँ बीआरसी केंद्र में ताला बंद किया गया, क्या कहेंगे आप सर? ताला बंद किया गया है, बिना सूचना के बंद किया गया है। आप लोगों पर यह गंभीर आरोप है सर कि आप लोग जो है कि लापरवाही के कारण जो भी इन लोगों का मैटर फंसा हुआ, आपकी लोग की वजह से? नहीं, लापरवाही नहीं बरती गई है। 4 तारीख के सोशल ऑडिट था और 5 तारीख को सामूहिक धरना था जिला में जी। संडे हो गया, 7-8 को कराची में था। जिले के सभी प्रखंडों में जो कि है कि ऐसा मतलब कहीं भी मतलब सुनने को नहीं मिला सर, लेकिन चिनिया में क्यों सर? अभी तो पता हमको नहीं है। आपका नाम सर? आपका परिचय सर? संतोष कुमार दुबे, बीपीओ चिनिया।
उनका ऐड करते हुए पेमेंट बना दिए, चूंकि सेकेंड इंक्रीमेंट का मामला जो था वो राज्य स्तर से हम लोग का रोका गया है, आपको पता है, इसलिए उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन फर्स्ट इंक्रीमेंट जिनका एक बार भी 4% का इंक्रीमेंट नहीं मिला है, उसमें कोई अड़चन नहीं था। हम लोग ने बैठक करवाया, उसकी चिट्ठी निकलवाई, अकाउंटेंट बोले कि ठीक है सर, इसको हम इस 4% को ऐड करते हुए इतने लोगों का मैं बना ले रहा हूँ, हम लोग को स्ट्राइक पर जाना है, बना के रेडी रखेंगे, जैसे ही मांगा जाएगा दे देंगे। तो क्या 4% इंक्रीमेंट जुड़े हुए 24/1/6-8 का और 12/1/5 का 38 लोगों का कैसे आपने एब्सेंटी अपलोड करवाया है, इसका हमको जवाब चाहिए। तो ये बताइए कि आपको पता कैसे चला कि नहीं भेजा है? अकाउंटेंट बोला, बोल दिया। हाँ, अकाउंटेंट बोला कि हम 4% नहीं भेज पाए, इसलिए कि मेरे पास लैपटॉप नहीं था तो टेलीविजन नहीं था। हम बोले कि ऑफिस मेरा लैपटॉप कहाँ है।